ईश्वर से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो हमें दिया है वो पर्याप्त है, जो नहीं दिया है वो भी पर्याप्त है। आप जैसी इच्छा, बस कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। कुछ उनसे मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमें वो कुछ ज्यादा बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं और 2 रुपए मांग के हम चले आए उनसे। बहुत साल पहले मैं मथुरा आ रहा था जगह ढूंढने के लिए। मेरे पास 10,000 रुपये थे, तो मैं ग्वालियर स्टेशन पर खड़ा हुआ था। सर्दियों का टाइम था, तो एक बहुत ही बूढ़ा भिखारी भीख मांगता हुआ मेरे सामने आया। तो उसने जब मेरे सामने हाथ फैलाया तो मेरा ध्यान उसकी भाग्य रेखा पर गया, हाथ की रेखाओं पर। वो बड़ी हैरानी की बात थी कि इतनी स्ट्रांग भाग्य रेखाएँ बहुत कम देखी गई हैं, उसके आर पार थी बिल्कुल। ऐसे ही भाग्य रेखा वाला आदमी भीख मांगता हुआ कैसे, दया भी आई। तो मैंने मन में सोचा, यदि ये मांगेगा तो मैं इसको पूरे 10,000 रुपये दे के घर चला जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जितने मांगोगे मैं उतने ही पैसे दूंगा। मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं यहाँ तक देने के लिए तैयार हो गया। वो थोड़ा सा सहम गया। 4-5 मिनट बाद 2-3 बार मैंने और बोला उससे, तो बोला 5 रुपये दे दो। ठीक है, मैंने उसको 5 रुपये दिए और मथुरा चला आया। मैंने चिंतन ये किया, यदि वो मुझसे ये कहता जो आपकी इच्छा हो मुझे दे दो, तो मैं उसको 10,000 रुपये दे देता। इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ उसने एक सीमित मांग करी, उसको जो प्राप्त होने वाला था उसको भी उसने सीमित कर दिया। तो मुझे तो ये समझ में आया कि ईश्वर से, भगवान से जहाँ भी आप मांगेंगे आप सीमित हो जाएंगे। उनसे ये कहना चाहिए, आपकी बस कृपा दृष्टि बनी रहे प्रभु, बाकी सब ठीक है। आपने बनाया है, गड़बड़ हो ही कह सकती है, सब ठीक है। बाद में मुझे उसकी भाग्य रेखा याद रही, तो मैं लौट के आया तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करके उसका उस जासूसी कराई, पीछा करवाया। तो ग्वालियर रेलवे पुल के पास नीचे भिखारियों की बस्ती थी, वो उनका लीडर था। भिखारी होते हुए भी वो एक पोजीशन ऑफ पावर एंजॉय कर रहा था। कोई भी भिखारी, भिखारिन की शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं होती थी। वही भिखारियों को जगह अलॉट करता था कि तुम यहाँ भीख मांगोगे, वहाँ भीख मांगोगे, और वो भीख मांगने के बहाने से इंस्पेक्शन करता था। तो मुझे कुछ तसल्ली हुई कि भाग्य रेखा गलत नहीं थी, उस स्थिति में भी वो एक पावर तो एंजॉय कर ही रहा था। तो प्रभु की कृपा दृष्टि से ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहिए। श्री शैलेंद्र शर्मा बिलोंग्स टू द लीनेज ऑफ इमॉर्टल गुरु महावतार बाबा जी महाराज। ही इज द ओनली क्रिया योगा गुरु हु हैज गिवन कमेंट्रीज ऑन श्रीमद् भगवद गीता, योग दर्शन, हठ योग प्रदीपिका, गोरख बोध एंड शिव सूत्र टुगेदर।